पबजी। आजकल ये गेम इतना ट्रेंडिंग में है कि पीसी हो या लैपटॉप्स, गेमिंग कंसोल्स हो या मोबाइल फोन्स, हर जगह लोग इस गेम को सबसे ज्यादा खेल रहे हैं। पबजी दिसंबर 2017 में पीसी और एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉन्च हुआ था और अभी साल भर पूरा होने से पहले ही इसने गेमिंग से जुड़े कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। पबजी का मोबाइल वर्जन फरवरी से मार्च के बीच में लॉन्च हुआ था और मात्र कुछ महीनों में ही ये एंड्रॉइड स्टोर में नंबर 1 पर भी आ गया और अब ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि लोग हर वक्त इस गेम को लगातार खेल रहे हैं और जो लोग नहीं खेल रहे वो लोग इसका केवल नाम सुन सुन कर ही परेशान हैं। इस गेम के इतने पॉपुलर होने की वजह है इसका इंटेंस गेम प्ले, जहां किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छी गेमिंग स्किल्स के साथ साथ इस गेम में जीतने के लिए अच्छे लक का होना भी बहुत जरूरी है। पबजी गेम का क्रेज इस कदर फैल रहा है कि जो लोग कभी अपने पीसी या मोबाइल में गेम खेलना पसंद नहीं करते थे, वो लोग भी आज इस गेम को खेलने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। अगर आप भी इस गेम के फैन हैं, तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पबजी गेम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी रेगुलरली देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, वरना आगे बहुत भी नहीं सुनी होंगी। पबजी गेम पैसे कैसे कमाता है, हर महीने इस गेम को बनाने वाली कंपनी कितने रुपए कमा लेती है, गेम के वेपन से लेकर मैप से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, पबजी अब तक कितने रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है, कितने नए बना चुका है और गेम मेकिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको अब से पहले नहीं पता होंगे। पबजी यानी कि प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। ये गेम इंस्पायर्ड है बैटल रॉयल नामक एक जापानीज थ्रिलर फिल्म से, जहां के आइलैंड पर स्टूडेंट्स को हथियार, खाना और नाश्ते के साथ छोड़ दिया जाता है और आखिर तक सर्वाइव करते हुए कोई एक ही बंदा जिंदा बचकर आइलैंड से बाहर आ सकता है। पबजी में मिलने वाले कई वेपन्स और जगह इस फिल्म में बताए गए वेपन से हूबहू मिलते हैं, क्रॉसबो, पिस्टल्स, सिकल, लाइट हाउस और यहाँ तक कि मैप का साइज भी पूरी तरह इस मूवी से ही इंस्पायर है। आज हम जो पबजी खेल रहे हैं वो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर इस गेम के क्रिएटर ब्रेंडन ग्रीन ये जापानीज मूवी नहीं देखते। ब्रेंडन ग्रीन AKA प्लेयर अननोन। पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, यानी कि प्लेयर अननोन की युद्ध भूमि। प्लेयर अननोन कोई और नहीं बल्कि इस गेम के क्रिएटर ब्रेंडन ग्रीन ही हैं। ब्रेंडन ग्रीन शुरू से ही बैटल रॉयल और शूटिंग गेम के फैन रहे हैं। शुरुआत में ये पबजी की तरह ही आर्मर नाम का गेम खेला करते थे। इस गेम में बाय डिफॉल्ट आपको प्लेयर 1 नाम दिया जाता है, जिसे बाद में आप बदल सकते हैं। ब्रेंडन ने इस गेम की प्रोफाइल में अपना नाम प्लेयर 1 से बदलकर प्लेयर अननोन रख लिया था, क्योंकि ये उन्हें ज्यादा कूल लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पबजी जैसा एडिक्टिव गेम बनाने वाले ब्रेंडन खुद को एक हार्डकोर गेमर बिल्कुल नहीं मानते। ब्रेंडन एक आयरिश व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कॉलेज में फाइन आर्ट सीखा और बाद में एक वेब डिजाइनर बन गए और साथ ही इन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी सीखी। अच्छे एक्सपोजर की तलाश के दौरान ब्रेंडन काफी समय घर पर गेम खेलने में बिताया करते थे और यहीं से इनका गेमिंग और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट जागा, जिसके बाद इन्होंने गेम मॉडिंग सीखना शुरू कर दिया। 2013 में इन्होंने आर्मा 3 के साथ काम करना शुरू किया, जो कि पबजी की तरह ही एक हाई ग्राफिक्स ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम है। इसके बाद इन्हें सोनी के किंग ऑफ द किल गेम के पेड कंसल्टेंट बनने का ऑफर आया और काफी समय इन्होंने सोनी के साथ काम भी किया, लेकिन इनकी किस्मत और करियर ने फुल स्पीड तब पकड़ी जब इन्हें ब्लू होल स्टूडियोज के CTO चैंग हान किम का मेल आया, जो पिछले 10 साल से अपना खुद का एक बैटल रॉयल गेम बनाना चाहते थे और ब्रेंडन के पिछले आर्मा 3 और किंग ऑफ द किल गेम के काम से काफी इम्प्रेस थे। अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 3 हफ्तों के बाद ही ब्रेंडन ने हमेशा के लिए साउथ कोरिया जाने का निर्णय ले लिया। फिर शुरुआत हुई पबजी गेम बनाने की। पहले भी बैटल रॉयल गेम्स के साथ काम कर चुके ब्रेंडन ऑनलाइन शूटिंग गेम्स से जुड़ी सारी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए पबजी में उन्होंने सभी मिस्टेक्स और कमियों को दूर करके बहुत सारी नई और इंटरेस्टिंग चीजों को ऐड किया। रैंगल मैप। पबजी का रैंगल मैप खुद ब्रेंडन ने ही डिजाइन किया है। रैंगल का नाम आयरिश वर्ड एरिन से लिया गया है, जिसका मतलब आयरलैंड तथा आयरिश होता है और ब्रेंडन की बेटी का नाम भी एरिन है। गेम का आकर्षण बढ़ाने के लिए बैलग्राउंड्स लॉ में इससे जुड़ी कहानी भी बनाई गई है। वो ऐसी है,
के इस आइलैंड पर वर्ल्ड वॉर टू के आखिरी समय में सोवियत सेना ने कब्जा कर लिया था, जहां वो अपनी खुफिया रिसर्च के चलते केमिकल तथा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। बाद में जब यहां के लोगों ने सोवियत सेना पर हमला किया तो ये पूरी तरह एक खंडर की तरह बन गई। इसलिए गेम प्ले के दौरान हमें इस आइलैंड पर बंद बस, गाड़ियां, टूटे घर, मशीनरी, मिलिट्री बेस और फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं। ब्लू जोन। पबजी गेम का ब्लू जोन, जो धीरे धीरे छोटा होकर सभी लोगों को पास लेकर आता है। शुरुआत में इसे गोल की जगह चौकोर यानी कि स्क्वायर रखा जाने वाला था, लेकिन चौकोर आकार ज्यादा आसान होता प्लेयर को समझने और सर्वाइव करने के लिए, और चौकोर जोन की प्रोग्रामिंग में भी काफी दिक्कतें आने की वजह से इसे फाइनली गोल रखा गया। कई लोगों को लगता है कि ये कोई जहरीली गैस या एनर्जी फोर्स है, लेकिन असल में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब सोवियत सेना का इस आइलैंड पर कब्जा था, तब घुसपैठियों को भगाने के लिए वो बड़ी मशीनों के जरिए बिजली का तेज करंट पूरी जमीन में फैला दिया करते थे। ब्लू जोन वो ही बिजली का करंट है जो धीरे धीरे पूरे मैप में फैलता जाता है। अंडरग्राउंड एरियाज। शुरुआत में पबजी में अंडरग्राउंड टनल जैसी कोई जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन लॉन्च होने के कुछ ही महीनों पहले इन्हें मैप में ऐड किया गया। ये आइडिया भी ब्रैंडन का ही था। पुराने समय में जब वो डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन गेम के लिए काम करते थे, तब उन गेम्स में भी वो इस तरह की टनल्स गेम के लिए बनाया करते थे। टनल के अंदर जाने पर गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, इसलिए उन्होंने पबजी में भी टनल्स को ऐड किया। विनर विनर चिकन डिनर। विनर विनर चिकन डिनर बैटल ग्राउंड्स का विक्ट्री मैसेज है, जिसे सुनने और देखने के लिए प्लेयर बहुत बार गेम खेलते रहते हैं। हालांकि पबजी ऐसा पहला गेम नहीं जिसमें जीतने पर ये मैसेज नजर आता हो। ब्रैंडन पहले जिन गेम्स के साथ काम कर चुके हैं उन गेम्स में भी ये मैसेज देखने को मिलता है। हालांकि इस फ्रेज का इस्तेमाल विदेश में पुराने समय से किया जाता आ रहा है। वहाँ पर जब लोग शतरंज और एली क्रैप्स नामक पैसे से खेले जाने वाले गेम में जीत जाते थे, तो उन पैसों से वो चिकन खाया करते थे। हैंस द टर्म विनर विनर चिकन डिनर। पैन। पबजी का सबसे आइकॉनिक वेपन ना कोई गन है ना ही राइफल, बल्कि ये है पैन। शुरुआत में जब पैन गेम में रखा गया था तो इसके केवल एक हिट से ही एनिमी किल हो जाता था, फिर चाहे उसने गेम का लेवल 3 हेलमेट और आर्मर ही क्यों ना पहना हो। लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। गेम में पैन बहुत जरूरी है, खासकर उन सिचुएशंस में जब एनिमी बहुत पास हो या ऐसी स्थिति में जब समझ नहीं आ रहा हो कि क्या किया जाए। ब्रैंडन लगातार इसको और यूजफुल बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि पबजी में उनका ये सबसे फेवरेट वेपन है। पैन कई बार पीछे से आने वाली गोलियों से आपकी जान बचा सकता है, खासकर तब जब आप अपने टीममेट को रिवाइव कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपकी तरफ गोली आ रही हो तो आप सही टाइम पर पैन स्विंग करके उससे बच भी सकते हैं। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई लोग पैन के इस यूज में खुद को काफी माहिर बना लेते हैं। क्रॉसबो। शुरुआत में जब पबजी में क्रॉसबो वेपन डाला गया था, तब इसका वो काम नहीं था जो अभी है। हालांकि क्रॉसबो अभी भी एक बहुत पावरफुल वेपन है, जिसके एक अटैक से ही एनिमी मारा जा सकता है, लेकिन इससे पहले इसका काम कुछ और था। शुरुआत में क्रॉसबो से जब हम किसी को मारते तो वो उसके तीर की पावर से उसके साथ ही पीछे या तो दीवार में, पेड़ पर या किसी भी दूसरी चीज जो क्रॉसबो लगने वाले के पीछे हो उससे जाकर चिपक जाता था, मानो तीर शरीर को भेद कर दीवार में चला गया हो। लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग और इस फीचर को ऐड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, और साथ ही ये कॉन्सेप्ट हर स्थिति में इतनी अच्छी तरह फिट भी नहीं हो रहा था, इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। पबजी रिकॉर्ड्स। पबजी जब लॉन्च हुआ था तब शुरुआत के 2 महीनों के अंदर ही इसकी 2 मिलियन कॉपीज बिक गई थी, और साथ ही शुरुआत के 3 दिनों में ही पबजी ने $11 मिलियन यानी कि 70 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा लिए थे। पबजी मात्र 1 साल के अंदर ही दुनिया के 5 बेस्ट सेलिंग गेम्स में अपनी जगह बना चुका है, और चूंकि इतनी तेजी से बढ़ रहा है आने वाले कुछ ही सालों में ये नंबर 1 पर भी आसानी से आ सकता है। और जब से इसका मोबाइल वर्जन आया है तब से एंड्रॉइड प्ले स्टोर के टॉप ग्रॉसिंग में हमेशा नंबर 1 पर पबजी ही नजर आता है। सितंबर 2017 में पबजी ने मोस्ट कॉन्करेंट प्लेयर्स ऑन स्टीम गेम का नया रिकॉर्ड बनाया। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दें, जैसे हम मोबाइल के लिए एप्पल या एंड्रॉइड प्ले स्टोर से गेम्स और एप्स डाउनलोड करते हैं, उसी तरह पीसी पर डाउनलोड करने के लिए स्टीम प्ले स्टोर का यूज करना पड़ता है। पबजी एकमात्र ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एक साथ ऑनलाइन आकर गेम खेलते हैं।
इसके पास 1.34 मिलियन प्लेयर्स का एक साथ गेम खेलने का रिकॉर्ड है। पबजी गेम में काम करने वाली टीम लगातार बढ़ती जा रही है। स्टार्टिंग में जहां इसकी शुरुआत 30 लोगों की एक टीम से हुई थी, आज जाकर इस गेम के लिए 150 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अर्निंग एंड रेवेन्यू। अब बात करते हैं पबजी पैसे कैसे और कितने कमाता है। जहां तक मोबाइल वर्जन का सवाल है, पबजी मोबाइल्स के लिए पूरी तरह फ्री है, लेकिन पीसी और गेमिंग कंसोल्स के लिए आपको पबजी खरीदना ही पड़ेगा। पबजी गेम में आपने नोटिस किया होगा कि दूसरे गेम्स की तरह इसमें कोई भी एड नहीं आते। पबजी सारी कमाई अपना गेमिंग यूनिट बेचकर और इन गेम परचेस जैसे कि कॉस्मेटिक एक्सेसरीज और रॉयल पास बेचकर कमाता है। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि इन सभी आइटम्स को बहुत कम लोग खरीदते होंगे, क्योंकि इन्हें खरीदने से गेम प्ले और गेमिंग स्किल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति इस गेम पर अपना काफी समय बिताना शुरू करता है तो गेम से लगाव के चलते कभी न कभी इन आइटम्स को खरीदने का मन बना ही लेता है। पबजी की करंट इनकम के बारे में अभी कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी 2018 में पबजी के एक महीने की अर्निंग तकरीबन 103 मिलियन डॉलर्स थी, यानी कि 721 करोड़ रुपए केवल एक महीने में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री का बिजनेस कितना तेजी से ग्रो कर सकता है। तो ये थी आपके सबसे फेवरेट गेम से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप पबजी गेम से जुड़े किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय। I'm an owl.